ओके सो डिटरमिनेंट्स में क्या है, व्हाट इज द नीड. हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इसकी काफी नीड है. तो सेम थिंग इज ट्रू इवन हियर फॉर डिटरमिनेंट्स. या आप जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं, तो जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, 2, 3, 5, 10 कितने वेरिएबल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स दे आर वेरी यूजफुल. राइट, ये हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे. उसके बाद फिर आपने जरूर से क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. राइट, वहां पे भी हम लोग डिटरमिनेंट यूज करते हैं. और कहाँ पे यूज करते हैं, और हम लोग स्प्रेडशीट्स वगैरह में भी यूज करते हैं. तो जनरली इसका जो मेन रीजन है वो यही था कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस थे जिसकी वजह से हमने मैट्रिसेस शुरू किया था, उसी को आगे हम फिर डिटरमिनेंट्स से पढ़ने लगे. अभी अगर आप करंट यूसेज देखोगे तो इसमें हम लोगों ने अभी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. बट इफ यू नो द यूसेज ऑफ डिटरमिनेंट, देन दैट वैल्यू विच वॉज, जो हमें इन्वर्स निकालने में काफी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी हेयर. राइट, द मोमेंट यू लर्न हाउ टू यूज डिटरमिनेंट इन ऑर्डर टू फाइंड एनीथिंग, देन वही वाली चीज जो है अब इतनी सिंपल हो जाती है. राइट, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए. अब बात यह है कि सर ये सब क्या है, ठीक है, तो इसकी बात हम अभी करेंगे. राइट, वी जनरली स्टार्ट विद दिस कि कैसे कैसे क्या है. वेटेज इन डिफरेंट एग्जाम्स, IIT JEE मेन्स में ऑलमोस्ट 4% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं. मैंने आपको बताया था मेट्रिसेस में 3%, यानी मेट्रिसेस डिटरमिनेंट मिला करके आपके पास IIT JEE में वेटेज कितना बेटा, 7%, इंक्लूडिंग मेट्रिसेस एज वेल एज डिटरमिनेंट. 7% क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे मेट्रिसेस डिटरमिनेंट मिला करके. 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल NDA के एग्जाम में इससे रहते हैं. राइट, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आर देयर. CBSE और IIT बोर्ड में 8% वेटेज यहाँ पे है. ठीक है, तो ओवरऑल जो है आप देखोगे इसकी वेटेज अच्छी खासी है. राइट, और इजी टॉपिक है. मैंने कई बार आपको ये बात पहले भी कही होगी, आज फिर से रिपीट करता हूँ, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ये दो जो चैप्टर्स हैं इट इज 90% कैलकुलेशन. राइट, अगर आप कैलकुलेशन को सही तरीके से कर सकते हो तो आप यहाँ के सारे मार्क्स आसानी से ला सकते हो. राइट, और किसी भी एग्जाम, इन एवरी एग्जाम. ठीक है, तो इट इज मोर ऑफ कैलकुलेशन. हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा पेशेंटली करना. जब जब कोई भी कैलकुलेशन या फिर लाइफ में भी कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स लगे ना तुम्हें, तो वहाँ थोड़ा पेशेंटली किया करो चीज़ों को. अगर आप पेशेंटली कुछ भी सोचोगे तो आप हमेशा उस चीज़ को अच्छे से करोगे. तो जब कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स आए, प्लीज मेक श्योर इन ऑर्डर टू अवॉइड, बिकॉज यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं. राइट, अच्छे अच्छे बच्चे भी यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं. तो उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का जो बेस्ट तरीका है, कैलकुलेशन को पेशेंटली करो, और अगर पॉसिबल हो तो एक बार उसे रीचेक जरूर किया करो. ऑलवेज बिलीव इन रीचेकिंग व्हेन यू आर डूइंग विद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, स्पेशली डिटरमिनेंट्स. ठीक है, आइए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. राइट, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने मैट्रिक्स फिनिश किया, उस मैट्रिक्स में बहुत तरह के मैट्रिक्स होते हैं. तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ऑफ द ऑर्डर INJ, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर n, मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर है, मतलब n बाई n होगा, n रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे. वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर. मैंने आपको बताया भी था डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है. ठीक है, इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा अगर इसके अंदर के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे. ठीक है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट व्हाट इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट. नाउ इट इज रिटन एज ईदर डेट ए इज ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इट इज रिटन एज, राइट, डेट ए वेयर ए आई जे इज द INJth element of A. ठीक है, भाई मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ. इसको जब कभी भी कोई मैट्रिक्स है जिसको मैं डेट A भी बोल सकता हूँ या फिर ऐसे दो डंडों के बीच में भी लिख सकता हूँ. जैसे हम लोग मॉडुलस रिप्रेजेंट करते थे ना, वैसे डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है. इट इज नॉट सेम बट यस इट इज आइडेंटिकल. ठीक है, मॉडुलस ऑफ A का मतलब अलग था, डेट वॉज अ फंक्शन, बट यहाँ ये एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, लेट मी इलस्ट्रेट यू विद सम एग्जाम्पल. जैसे सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, राइट, मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है. राइट, वी हैव 2 रोज एंड वी हैव 2 कॉलम्स. राइट, हॉरिजॉन्टल वाले कौन से हैं, रोज, और वर्टिकल वाले कौन से हैं बेटा, दैट इज कॉलम. ओके, तो इस तरीके से एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जिसमें हमारे पास ABCD इस तरीके से एलिमेंट्स हैं. देन डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस. राइट, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इधर इट इज डेट ए और व्हाट डू आई कॉल, आई से डबल डंडे के अंदर ऐसे ए लिख दिया, इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखिए. क्या बोलेंगे इसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन बाय, राइट, ABCD आपने लिख दिया. आप इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, राइट, ए टाइम्स डी, ए टाइम्स डी माइनस बी टाइम्स सी, या जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट, राइट. सिंपल एग्जांपल ले लो, लेट्स से यू हैव 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या आई विल मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स, 1 × 4 दैट इज 4, 2 × 3 दैट इज 6, राइट. तो इसकी ये जो 1 2 3 4, ये जो मेरा पास डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, -2. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. रिमार्क लिखा हुआ है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस आर डिटरमिनेंट्स, ओके वी अंडरस्टैंड दैट. फॉर अ मैट्रिक्स ए, A is read as the determinant of A and not modulus of A. Please remember that. इसको modulus of A कभी गलती से मत बोलते ना, ठीक है. जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती है वो कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, ठीक है. तो आप ये ध्यान रखेंगे, although representation same है, but it is always what? आपको expression से पता लग जाएगा, right? You'll get to know from the question कि वो modulus है या determinant है, ठीक है. Always from the question. So let's move on to the next. जैसे हमने पढ़ा था order of matrices, वैसी order of determinants भी होते, right? तो सबसे पहला order है क्या? Order one. ऑर्डर वन का क्या मतलब है? वन रो एंड वन कॉलम, दैट मींस वी हैव ओनली वन एलिमेंट. नो, अगर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, दैट मींस वी हैव ओनली वन एलिमेंट, ठीक है. तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी. तो वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ, व्हाटएवर इज द एलिमेंट. इन दिस केस द एलिमेंट इज ए, सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ए इटसेल्फ. सिमिलरली अगर हमारे पास ऑर्डर टू का है, ऑर्डर टू का मतलब तो अभी हमें समझ में आ रहा होगा ना, दैट इज 2 by 2, वी हैव टू रोज एंड वी हैव टू कॉलम्स, ओके. Now A B C D is there of two of order two, then the determinant of A is defined as. अभी अभी मैंने आपको बताया भी था क्या करते हैं? Cross multiply करते हैं, right? Diagonal elements cross multiply करते हैं. ये क्या है मेरे पास? This is the first element. Generally इसको हम लोग कैसे denote करते थे matrices में? तुम्हें याद होगा A11, this is A12, this is C21, and this is D22. That means ये element क्या है? First row first column, first row second column. Second row, first column, and this is second row and second column, right? So we multiply these two things, A into D, that is AD, and minus B into C, that is BC. ठीक है, इसका भी हमने example भी check किया. तो ये सब तो easy चीजें हैं. यहाँ से थोड़ा सा complex होना शुरू होता है और ये आपकी reality की तरफ अब आप move करना शुरू करते हो. जैसे questions तुम्हें ज़्यादा मिलते हैं exam में, ठीक है? तो अब एक करके देखते हैं इसमें. I hope till this point you are understanding everything. Right? This is all simple. Sir, having a bit of net issues, could you please record? Yes, but I am recording it, right? I'm recording it, no problem. I'm recording it and I'll be sharing it with you, no problem. Okay, dhyan se suno. Determinant of a matrix of order 3, right? Order 2 tak to kuch bhi nahi hai, calculation bhi zyada nahi hoti aur bahut easily ho jate hai, but yahan se aage calculation mein thodi pareshani shuru ho jati hai. Maine tumhe pehle bata diya, it is what? 90% calculation chapter, right? Isme tum 90% calculation karoge. 10% भी मैं कहूंगा बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें ढंग से सीखना है, ठीक है, जो शायद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ओके. तो देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है टॉपिक तो लंबा चलेगा, यू नो मी, राइट. आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द अनसॉल्वड आरडी शर्मा क्वेश्चन, और उसके बाद जो आप डाउट्स पूछेंगे वो भी करेंगे, फिर एमसीक्यूज भी करेंगे, फिर आईटी लेवल के क्वेश्चन पर भी जाएंगे, ठीक है. तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, बट ये जो बेसिक्स है उसको करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर. अब ये क्या है, और पढ़ते पहले बुक की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे. The determinant of a matrix of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinants. हम उसे क्या करते हैं? Second order determinants में करते हैं, which is known as expansion. इस process को हम लोग क्या बोलते हैं? Expansion of a determinant along a row or a column. There are 6 ways of expanding any determinant of order 3 corresponding to each of the 3 rows and each of the 3 columns. Each gives the same value. Okay, इसका क्या मतलब है? आओ पहले डिटेल तरीके से सीखते हैं. जैसे सपोज करो मैंने ये मैट्रिक्स लिया, अगर मैं इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये क्या है? मैट्रिक्स है. और इन्होंने बोला कि बताओ भैया ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस, राइट. सो वंस दे आस्क अस द वैल्यू, वी अंडरस्टैंड दैट दे आर आस्किंग द डिटरमिनेंट फॉर दैट. ओके, डिटरमिनेंट के लिए हमने सिर्फ उसको स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में, वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने एक्सप्रेस कर दिया. नाउ हाउ टू ओपन दिस, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है, बट मैं स्लो एक्सप्लेन करूंगा बिलीविंग दैट यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ध्यान से देखिएगा. जो ISC बोर्ड के बच्चे हैं शायद उन्होंने इसको पहले देख रखो, बट फिर भी ध्यान से देखो. मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो. तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हो, राइट. यू नो दिस इज वॉट कॉलम 1, दिस इज वॉट बच्चो कॉलम 2, दिस इज वॉट कॉलम 3, सिमिलरली दैट इज योर रो 1, रो 2 एंड रो 3. ठीक है, आप
किसी भी, ऑल सिक्स वेज आर पॉसिबल, आप कहीं से भी ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस वे के अभी क्या ले रहा हूँ, C1 के अलोंग ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यही बताऊंगा तुम्हें कब C1 के अलोंग लेना है, कब C2, हर चीज का एक प्रोसेस है, राइट। हर चीज को अगर तुम सही तरीके से अप्रोच करोगे, इट विल ऑलवेज बी इजी टू यू विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो मैं C1 के अलोंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्या होता है ध्यान से देखना, 1 1 है, राइट, A 1 1, ठीक है, -1 रेज टू द पावर i+j, यानी कि रो प्लस कॉलम 1+1, ठीक है। अब देखो तुमने जो भी एलिमेंट लिया है, मैंने क्या लिया, A 1 1, A 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो ये छोटी सी चीज अंदर बच रही है, इसको हम लोग माइनर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, माइनर भी पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग माइनर भी बोलते हैं, ठीक है। किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई छोटा सा डिटरमिनेंट और निकाल रहे हो, कुछ रो और कुछ कॉलम छोड़ के, तो उसको हम लोग माइनर भी कहते हैं, ठीक है। तो A 1 1 के अलॉन्ग में देख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे अब ये इसको छोड़ के जो बच गया, क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास रह गया A 2 2, A 2 3, A 3 2 एंड A 3 3, ठीक है। पूरे कॉलम के अलॉन्ग हमने करना, अभी हमने सिर्फ एक एलिमेंट लिया, कौन सा, A 1 1, आई हैव जस्ट टेकन वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज A 1 1, ओके। अभी मैं सेकंड कॉलम में, सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है, A 2 1, ओके। सो प्लस A 2 1 इनटू -1 रेज टू द पावर 2+1, 2+1। देखो तुम्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही होगी कि जहां पे भी इसकी पावर मेरे पास इवन होगी वो क्या होगा, प्लस होगा, और जहां पे भी इसकी पावर ऑड हो रही है, जैसे यहाँ पे ऑड हो रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब साथ में मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स कैसा होगा बेटा, अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो मैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट, तो मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इरेज कर दूंगा, जो बचेगा उसको एज इट इज लिख दूंगा। क्या बच गया, दैट इज A 1 2 एंड A 1 3, देन वी हैव A 3 2 एंड A 3 3। तो कॉलम वन में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक तीसरा एलिमेंट रह गया, और उसको भी देखते हैं, लेट अस सी इवन द थर्ड एलिमेंट जो हमारे पास रह गया, ओके, लेट अस सी थर्ड एलिमेंट में, इस कॉलम में जो मेरे पास रह गया, दैट इज A 3 1, ओके, A 3 1, क्या करूं, -1, ये देखो ये सब चीजें इनिशियली जब वंस यू आर इन प्रैक्टिस, तो ये सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, -1 की पावर 2+1, ये सब क्योंकि तुम फर्स्ट में भी कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल जो मोस्ट बेसिक चीजें, मोस्ट एलिमेंट्री चीजें, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम श्योर तुम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद यू विल बी कंफर्टेबल कहाँ प्लस है कहाँ माइनस, तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा। इनफैक्ट ये ऑल्टरनेट चलता है, ऑल्टरनेट चलता है का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, एक और एलिमेंट होता तो वो माइनस होता, प्लस माइनस प्लस में चलता रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अरे यार दो कंजेक्टिव नंबर्स का सम अगर यहाँ पे मेरे पास इवन है तो नेक्स्ट में ऑड होगा ना, बिकॉज कंजेक्टिव नंबर्स है, कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। तो ये सम क्या होता है, ऑड इवन चलता रहता है, इसीलिए ये कंजेक्टिव टर्म्स होते रहते हैं, ओके। बट हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल जो बेसिक बातें होती है उस पर फोकस रख रहा हूँ। मैं क्या ऐड किया मैंने, 3+1, और अभी क्या करूंगा मैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। थर्ड रो, व्हाट इज द थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, एंड व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। बचा क्या बेटा, इट इज A 1 2, इट इज A 1 2, देन आई हैव A 1 3, A 2 2, राइट, एंड A 2 3, ठीक है, A 2 3। इस तरीके से मैंने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। बट अभी क्या, अभी ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट नहीं आई है, राइट, दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू, राइट, दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कैसे आएगी, कोई टेंशन नहीं है, बस इसको ओपन करना है, ध्यान से देखना, राइट, बिल्कुल वही तरीका जैसे हमने 2x2 किया था। अब ये -1 मैंने इसको हटा दिया, -1 रेज़ पावर 2 इज़ +1, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। I am going to multiply the diagonal elements. What is that? That is A 2 2 into A 3 3 minus, right? Which is A 2 3 into A 3 2. ठीक है बच्चों? Next यहाँ पे आ गए. अब यहाँ plus लगाऊँ या minus? Minus लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ power odd है. That is -A 2 1. जो भी value है, right? Because यहाँ पे numbers ही होंगे. अभी फिलहाल मैं variables के साथ कर रहा हूँ. Example में लोग numbers भी ले लेंगे. किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, A 1 2, राइट, A 1 2
into A33 minus A13 into A32. Similarly, the last element, right? इसको मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, प्लस के साथ आएगा बिकॉज यहाँ पार फोर है, दैट इज इवन, दैट विल बी A31 into these two elements, A12 into A23 minus A13 into A22. ठीक है, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट. चलो लिख देता हूँ इन केस A23 माइनस A22 इनटू A13. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट की एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करके चीजों को दे रखोगे और फाइनली A11 A21 A31 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज. ठीक है, मैंने बोला इसको हम किसी भी छह तरीके से खोल सकते हैं, C1, C2, C3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, किसी भी तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ. नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं डिस्कस करने को, तो क्या मैं समझू यहाँ तक, तुम्हें समझ में आ रहा है एवरीवन? कैन आई सी योर हैंड्स इफ इट इज ओके? सम ऑफ यू केम लेट टुडे बट आई होप इट इज ओके. आदिया जस्ट ज्वाइंड, श्रेयांश वॉज लेट, शिशिर इज यूजुअली लेट, राइट? Children, please try to be on time, right? Even I am on time, right? Believe me, जितने क्लास आप अटेंड करते हो उससे कम क्लास मैं नहीं लेता हूँ रोज. ठीक है, इसलिए if I can be punctual, even you can be punctual. So please try to be on time, okay? कभी महीने में अगर मैं एक दिन लेट भी होता हूँ तो आपने ध्यान दिया होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि टुडे आई विल बी लेट बाई 5 मिनट्स, आई विल बी लेट बाई 2 मिनट्स, आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ. ठीक है, सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप ही इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो. ठीक है, That will really take us a long way. All right. अब इस पे हम लोग example करेंगे, so that to make sure that it is clear. अब एक और मैंने ये expansion लिया है. अभी मैंने इससे पहले column के along लिया था और वो 3x3 का मेरे पास determinant था. ये 4x4 का. तो यहाँ से हम इस example से दो purpose solve कर रहे हैं. Purpose number one, that we are Samriddhi, do you need to ask something? Samriddhi बेटा कुछ पूछना है क्या? आपका hand raise हो रखा है. ओके, फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो 4x4 का डिटरमिनेंट है और इसको मैं रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ. तो इस एग्जांपल से मैं दो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. नंबर वन, अगर 4x4 का डिटरमिनेंट आ गया तो कैसे ओपन करोगे, राइट? थोड़ी कैलकुलेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, बट हाँ, क्वेश्चन कभी भी अनडूएबल नहीं होगा. और ध्यान रखना, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतना ज्यादा वेटेज होगा, राइट? अगर 3x3 का भी कोई कैलकुलेशन आती है ना, तो जनरली वो 4 मार्क्स कैटेगरी में तो होती ही है. ठीक है, अगर 4x4 दे रहे हैं तो ध्यान रखना 6 मार्क्स से कम तो नहीं होती. जनरली 4x4 ऐसे नहीं आती है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस 4x4 वाले कम ही मिलते हैं, राइट? लेकिन हम मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मिल भी जाए तो कोई बात नहीं. ओके, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का दो पर्पस है. नंबर वन, कि आप 4x4 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखो. नंबर टू, अभी आपने कॉलम के अलोंग किया था, अब हम लोग रो के अलोंग कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, राइट? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है. तो देखिए, मैं R1 के अलोंग कर रहा हूँ, राइट? वी अंडरस्टैंड दिस इज R1, R2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैं R1 के अलोंग कर रहा हूँ. यहाँ मैं क्या लिखूँ? A11 -1 की पावर 2. अब मैं वो माइनस वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बिलीविंग दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको ये बात समझ में आ गई है, राइट? और एक बार जब मैंने A11 लिखा तो मुझे समझ में आ गया क्या, कि अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से ऑब्सोलीट कर दूंगा. जो बचेगा उसका यहाँ पे मैं लिखूंगा. क्या बचेगा बेटा? दैट विल बी A22, A23, A24 एंड A32, A33, A34 एंड सो ऑन द लास्ट वन विच इज A42, A43 एंड A44. ठीक है, नेक्स्ट टर्म अभी क्या आने वाला है मेरे पास? नेक्स्ट टर्म मेरे पास आने वाला है दिस वन, A12. तो नीडलेस टू से कि मैं जब यहाँ पे A12 लिख रहा हूँ बच्चों, तो -1 की पावर 3 होगी, तो दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि वहां मुझे माइनस ही मिलेगा. मैंने ये बात तुम्हें ऐसे भी बताई थी कि हमेशा ऑल्टरनेट चलता है. इसका सम 2 है, इसका सम 3 है, इसका 4 है, इसका सम 5 है. क्वाइट ऑब्वियस, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव ही होगा और ये नेगेटिव ही होगा, राइट? तो ये सब चीजें बार बार लिखने की नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये चीजें प्रैक्टिस में इतनी होनी चाहिए दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. ओके, सो व्हेन आई एम एक्सपेंडिंग A12 अगेन,
जो भी रो है और जो भी कॉलम है वो हम वहां से इरेज कर देंगे. A12 इज व्हाट? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. सो दैट इज ऑब्सोलीट. अब जो बच गया बस उसको एज इट इज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे. क्या लिखने वाला हूँ? A21, A31, A41. ठीक है, सारे एलिमेंट्स इस तरीके से हम लोग लिख देंगे. राइट, इधर आगे क्या आएगा? A23 एंड सो ऑन. A23, A33, A43 एंड द लास्ट वन विच इज A24, A34 एंड A44. ठीक है, इसके आगे क्या होगा? मेरे पास A13 वाला एलिमेंट आएगा. कैसा? प्लस या माइनस? डेफिनेटली प्लस, बिकॉज द पार द सम इज व्हाट? 4. माइनस 1 रेज पावर 4 विल रिमेन पॉजिटिव. सो दैट इज A13 एंड देन अगेन मेकिंग द डिटरमिनेंट आउट ऑफ दैट. अब जो डिटरमिनेंट मैं लूंगा क्या होगा? जो भी एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दैट विल बी कैंसिल्ड आउट, बाकी सब होगा बच्चों. तो क्या मिलेगा मुझे? A21, A22. सी चिल्ड्रेन, जिन लोगों ने ये टॉपिक पहले किया हुआ है उनको थोड़ी सी क्लास अभी इनिशियली स्लो लग रही होगी. दैट इज व्हाट आई जनरली फॉलो इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट एनी टॉपिक, इट इज स्लो. राइट, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्लो लग रहा हो, बट डोंट वरी. राइट, ग्रेजुअली वंस यू मूव अहेड एंड ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन द बेसिक थिंग, देन डेफिनेटली द स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. द स्पीड वर्क्स एज पर यू. ठीक है, सो इट इज A21, A22, A24. आगे मैं क्या लिखूंगा? A31 और A31, A32 and A34. And the last element, what is that? That is A41, A42 and A44. और अब last में अब क्या आएगा मेरे पास? Minus A14. इसमें क्या करूंगा मैं? कौन सा डिटर्मिनेंट लूंगा? इसमें मैं डिटर्मिनेंट A14, यानी कि अब मैं फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम कैंसिल करूंगा. दिस एंटायर थिंग विल बी मल्टीप्लाइड. राइट, दैट वुड कम हियर. ठीक है, और फिर 3x3 को वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं. मैंने तुम्हें ये बताया 4x4 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिलना थोड़ा सा रेयर है, ऐसा जनरली इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं देते. राइट, तो लेकिन हाँ अगर मिल जाए तो फिर दैट इज हाउ यू शुड डील विद इट. राइट, बी पेशेंट एंड बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन. ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्या यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को? लेट मी सी योर हैंड्स फास्ट. अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो ईजी है ना? Okay, that's wonderful. Right, it is easy and you are understanding, so that's great. Singular matrix. इसकी बात मैंने determinant में भी की थी और मैंने बताया भी था कि matrix में भी की थी और मैंने बताया भी था कि determinant में इसको दोबारा से ही हमें मिलेगा. ये one mark question बड़ा frequently पूछते हैं board exam में. Singular matrix पे one mark question बहुत frequently पूछते हैं. ठीक है, तो ये जो one mark question पूछते हैं इसको बहुत इजी वाले होते हैं. राइट, थोड़ा सी कैलकुलेशन करनी होती है. मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो. ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स कंपलसरीली क्या? स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज डिटरमिनेंट तो तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है. ओके, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मैंने क्या बताया था. राइट, जो लोग नहीं थे वो ध्यान से सुनेंगे. ये बताया था बेटा कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं? कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. अगर मैट्रिक्स के रेफरेंस में हम सिंगुलर मैट्रिक्स को समझना चाहें तो ये कहेंगे. डिटरमिनेंट के रेफरेंस में क्या कहेंगे? कि उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आ जाएगी. ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो इन दैट केस इट इज द केस. अदरवाइज अगर आप इन्वर्स के केस में देखना चाहें मैट्रिक्स के केस में तो ये समझ में आना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल भी मैंने ले रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या करेंगे? फटाफट से एक्सपेंड कर देते हैं. आओ फिर एक क्वेश्चन हो जाए इसी बहाने. इट इज 1x माइनस 2 2 एंड 2 3 1 एंड माइनस 3. ठीक है, सो आओ इसको अलग तरीके से एक्सपेंड करते हैं. लेट अस एक्सपेंड दिस इन रेफरेंस टू रो 3. ठीक है, मैंने बोला ना कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एनीवेयर. तुम्हारा जहां से दिल करे वहां से एक्सपेंड कर लो, कोई टेंशन नहीं. मैं रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं. ठीक है, रो 3 के अगर मैं अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो दिस इज व्हाट x, इसकी पोजीशन क्या है? इट इज 3 1, यानी कि 3 + 1 कितना हो गया? माइनस 1 की पावर 4, यानी कि प्लस ही रहेगा. और मैं डिटरमिनेंट क्या लूंगा x के साथ? नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम, राइट, दिस कॉलम एंड दिस रो वुड बी गॉन. बचेगा क्या मेरे पास? -2
2+2 3 1, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सब तुम डायरेक्टली लिखने लग जाओगे, राइट। अभी मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ओके। अब मैंने रो 3 के अलोंग करना है, अब क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा या -2 आएगा, डेफिनेटली ऑल्टरनेट चलता है, तुम चाहो तो चेक भी कर लो इसकी, इसका ये रो नंबर क्या है 3, कॉलम नंबर क्या है 2, 3+2 = 5, -1 की पावर 5 इज -1, तो ये -2 एंड इनटू, अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल होगा, बचेगा क्या मेरे पास 1 1 3 1, ओके 1 1 3 1, दिस एंटायर रो एंड दिस एंटायर कॉलम इज गॉन। नाउ देन यू हैव -3, -1 की पावर 6, विच इज अगेन पॉजिटिव। अब ये मेरे जे थर्ड रो और थर्ड कॉलम मैंने कैंसिल कर देना है, व्हाट इज व्हाट एम आई लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद 1 -2 1 एंड 2, ठीक है। तो एज दे हैव सेड दैट इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस एंटायर एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 0, ओके लेट मी डू द कैलकुलेशन, दिस इज x, ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया -6, -2 और -6 क्या मैं इसको -8 लिख लूं, ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 1 -3, 1 - 3 को मैं -2 लिख रहा हूँ, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज -3 इनटू व्हाट, दिस इज 2 एंड +2, 2+2 कितना हो गया बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4, सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये -8x है, क्यों ना इस -8x को दूसरी साइड लेकर के +8x कर दें, और ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास +4, और ये वाली चीज कितनी हो गई, दिस इज -12। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये -12 और +4 ये हो गया -8, अगर -8 हो गया, 8x is equal to -8, so what is the value of x, x is coming out to be -1, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, जनरली ये 1 मार्क क्वेश्चंस में रहते हैं, ठीक है, और इस पे कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। अभी मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको थोड़ा लग रहा हो कि अरे लेंदी है, 1 मार्क में क्यों आ रहा है, ये ज्यादा आना चाहिए, नहीं बेटा ये 1 मार्क नहीं आता है, और इसको करने में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आफ्टर दिस क्लास तुम्हारी स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी इन चीजों में, वेर यू विल बी कंफर्टेबल, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेट खराब आ रहा है, अच्छा अच्छा नेट खराब आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्षित, सो नो इश्यूज, मैं इसको आपके आई शेयर द लिंक, मैं अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, एंड अंशुमन ये टॉपिक तुमने पढ़ा है क्या एससी बोर्ड में, सिर्फ मैट्रिसेस ही तो होते हैं, डिटरमिनेंट नहीं होते ना? नहीं सर होता है, डिटरमिनेंट फिजिक्स में पढ़ाते हैं। हां फिजिक्स में तो मतलब 9th 10th में तो नहीं पढ़ा होगा ना? नहीं सर। राइट, फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके होगे बेटा, वहां तो आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके होगे, वेक्टर्स भी पढ़ चुके होगे, राइट सर। हां वो बेसिक तो सब कुछ ही उसमें पढ़ना होता है, बिकॉज़ बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स अधूरी है, ठीक है। यस सर। चलो लेट्स मूव अहेड, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर हमने पहले डेफिनेशन देखा, हमने मैट्रिसेस में भी देखा था, और अभी यहां पे हमने दोबारा से देखा, और उसके बाद फिर हमने एक इस पे एग्जांपल किया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, राइट, और इसकी वेटेज जनरली 1 मार्क्स ही होती है, ध्यान रखना। सो लेट्स मूव अहेड नाउ, दिस इज जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस ज्यादा होती जाएगी, ध्यान रखना, राइट, द इंपॉर्टेंस एंड द रेलेवेंस वुड इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट स्लाइड, ओके। नाउ दैट वी हैव टू टर्म्स, वन इज माइनर्स एंड द अदर इज कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर्स मैंने तुम्हें अभी बताया भी था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, राइट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट आई जे, ए आई जे क्या मतलब है, आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ए आई जे इज व्हाट, एक ऐसा आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ए 2 3 तो हमें समझ में आता है कि दे आर टॉकिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो सेकेंड रो से और थर्ड कॉलम से है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, राइट। अभी अभी हमने देखा था कि अगर मैं वहां से अगर मैं इसका माइनर निकाल रहा हूँ, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द माइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ए 2 3, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, m 2 3 बोलूंगा। अब m 2 3 क्या होगा, एक ऐसा डिटरमिनेंट होगा जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके ऑप्टेन होगा, जो भी हम पीछे कर भी रहे थे, ठीक है, इसका भी मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको माइनर बोलेंगे। यहाँ जो आप पीछे ये जो चीजें बना रहे हो ना, ये क्या है, दिस इज द माइनर ऑफ m 1 1, ये किसका माइनर, सॉरी ये हमारा ये वाला एलिमेंट था ना, दिस इज द माइनर फॉर m 3 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट, ये जो चीज है दिस वन, राइट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर व्हाइट, ठीक है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये किसका माइनर है,
दिस इज द माइनर फॉर एम थ्री टू, राइट? ये किसका माइनर है? एम थ्री टू इस वाले एलिमेंट का है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. दिस इज द माइनर ऑफ वॉट? एम थ्री थ्री, इसको एम थ्री थ्री बोलेंगे, राइट? एलिमेंट एलिमेंट कौन सा है? ए थ्री थ्री, बट माइनर को क्या बोलते हैं? एम थ्री थ्री. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, राइट? माइनर है तो कैपिटल एम से कह दिया. एलिमेंट को जनरली हम लोग ए वन वन ए वन टू इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है? तो इसी को माइनर कहते हैं. अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या दे रखी है? को फैक्टर. माइनर को फैक्टर में ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट वन डिफरेंस. और ये ऐसा डिफरेंस है जो अक्सर बच्चे सिली मिस्टेक के फॉर्म में एग्जाम में करते हैं, ठीक है? को फैक्टर क्या है? को फैक्टर वही माइनर है, ध्यान से देखो. को फैक्टर को इन्होंने कैपिटल ए आई जे से कहा. एलिमेंट क्या था? स्मॉल ए आई जे. माइनर को क्या कहा? एम आई जे. और को फैक्टर को क्या कह रहे हैं? कैपिटल ए आई जे, ठीक है? ये भी एक डिटर्मिनेंट है, इवन दिस इज अ डिटर्मिनेंट. और दिस इज इक्वल टू व्हाट? द माइनर ओनली. बट यहां पे हम लोग माइनस वन की पावर आई प्लस जे कर रहे हैं. यानी अब अगर ये सम आपका इवन आ गया तो ये माइनर के बराबर होगा, और अगर ये सम आपका ऑड आ गया तो ये माइनर का एग्जैक्टली अपोजिट साइन का होगा. अगर मेरा माइनर सपोज करो प्लस थ्री आया है, राइट? बिकॉज माइनर क्या है? माइनर है या फिर हमारे पास को फैक्टर है, दीज आर व्हाट? डिटरमिनेंट्स. और डिटरमिनेंट इज ऑलवेज अ वैल्यू, राइट? तो ये जो हमारे पास सपोज करो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी थ्री, एंड यू आर फाइंडिंग दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आई जे. लेट्स से आई इज इक्वल टू वन एंड जे इज इक्वल टू फोर, राइट? तो ए आई जे कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ इसका को फैक्टर कितना होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आई प्लस जे इज फाइव, माइनस वन की पावर फाइव माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं ए वन फाइव कितना बोलूंगा? इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री, राइट? वाई? बिकॉज एम वन फोर इज कमिंग आउट टू बी थ्री. सो ए वन फाइव दैट मीन्स द को फैक्टर विल बी वॉट? माइनस वन की पावर आई प्लस जे. आई प्लस जे यहाँ पे कितना है? इट इज फाइव, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस थ्री. So that is the definition of minor and cofactors, and that is the relation between them. Dhyan rakhna, numerically, minor and the cofactor, they are always equal. Sign wise, same hoga ya different hoga, wo kis pe dependent hai? That it is coming from which row and which column. Whenever the number of row and the number of column sums up to an even number, then the minor is exactly equal to the cofactor. And if the sum is coming out to be odd, then they are of opposite signs. Okay, so that's a basic thing. अच्छा, कुछ इसके बारे में important property भी हम यहाँ पे discuss करेंगे, and then we'll gradually move on to some questions. Okay, value of a determinant of a matrix is obtained by the sum of products of elements of a row or column corresponding with the cofactors. अगर मैं cofactors से multiply कर दूँ, अब देखो a one one ये जो बात है यहाँ आए देखो a one, ठीक है? जैसे ये three by three का कोई भी matrix है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ सपोज करो एग्जांपल के लिए लिखता हूँ, दिस इज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री टू टू सॉरी यहाँ मुझे टू वन लिखना चाहिए था, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है? तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, राइट, तो इसको हम लोग माइनर को फैक्टर की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? बल्कि को फैक्टर की हेल्प से स्ट्रेट अवे देख सकते हैं. क्या मतलब है? एलिमेंट ए वन वन, ठीक है? ए वन वन, और ये कैपिटल ए वन वन जो है, ये कैपिटल ए वन वन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द को फैक्टर. तो अभी अभी हमने देखा कि को फैक्टर क्या होता है. को फैक्टर वो होता है कि आप ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दो, जो डिटरमिनेंट बना. अगर मैं ए वन वन को यहाँ पे बताऊं तो ए वन वन कितना है? ए वन वन हमारा ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री से बनने वाला डिटरमिनेंट है. हाँ, इसमें माइनस वन होगा कि नहीं होगा ये किस पे डिपेंडेंट है? कि वन प्लस वन, यहाँ पे तो टू है तो ये पॉजिटिव है, राइट? तो ध्यान से देखो, यही तो था एक्सपेंशन में, एग्जैक्टली ये चीज तो थी. सिमिलरली जब मैं ए वन टू करूंगा, ए वन टू का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये गया, सेकंड कॉलम ये गया, बचा क्या? ये वाली चीज बच जाएगी. और इसमें अब यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? आई प्लस जे इज कमिंग आउट टू बी थ्री, दैट मीन्स इट इज ऑड, सो इट विल बी नेगेटिव. तो एग्जैक्टली ये वही चीज मिल जाएगी ना, तो तुम्हें यहाँ थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स को डिटरमिन ओपन करने में आई थी. यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग. ध्यान से देखो, ये जो माइनस साइन के साथ है, ये तुम्हारा है क्या? इजंट इट ए वन वन? डेफिनेटली यस. ये अगर मैं इसकी बात करूं तो इजंट इट ए टू वन? What is that? That is the cofactor. इसको तो cofactor बोलते हैं बेटा. This is the cofactor,
राइट, ये क्या है, दिस इज योर A31, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। हाँ, अगर ये माइनस साइन को मैं हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉरी माइनर बन जाएगा, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये माइनर बन जाएगा, अभी क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, राइट। और यहां से एक चीज और जो तुम्हें समझने में एग्जाम्पल की हेल्प लेनी पड़ सकती है, वो है तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 4। वो क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, अगर मैं किसी और से इसके मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका सम हमेशा जीरो आता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे A12 है, मैं A11 से नहीं कर रहा हूँ, A21 से कर रहा हूँ, ठीक है। A21 यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये कौन से मेरे पास, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर मैं इरेज कर दूं तो उससे कर रहा हूँ, तो इनका जो सम आता है वो हमेशा कितना आता है, जीरो आता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उनके कोफैक्टर से, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बट अगर मैं एलिमेंट के जो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। अभी एग्जांपल में इस बात को हम समझते हैं, ओके। आई होप टिल दिस पॉइंट यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, राइट। अभी तक हमने कुछ खास नहीं करा है, हमने सिर्फ बेसिक चीजें की हैं जिसकी हेल्प से अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं, ओके। प्राची आप काफी लेट आए हो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्राची फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम टॉकिंग फ्रॉम प्राची हु इज फ्रॉम यूपी, यू ज्वाइन वेरी लेट टूडे प्राची, काफी लेट हो गया आज प्राची क्लास के लिए, चलो डेट इज ओके, ट्राई टू बी रेगुलर चिल्ड्रेन, प्लीज डोंट बी लेट, राइट, टाइम से आया करो, प्रॉपरली पढ़ो ढंग से, ओके। सो आई विल प्रोसीड अहेड, आइए आइए देखते हैं और हमारे पास अभी क्या डिस्कशन है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं, आइए आज भी ऐसे ही करेंगे, राइट। क्या कह रहे हैं इसमें, ये आपके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन हैं, राइट द माइनर्स एंड को फैक्टर्स, हमें माइनर्स भी लिखने हैं और को फैक्टर्स भी लिखने हैं, आपको पता है कुछ खास डिफरेंस नहीं है, राइट, सिर्फ या तो सेम वैल्यू होगी या फिर माइनस साइन लग सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, राइट, फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस, हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज लिखने हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, मैं एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। सपोज करो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं पहले माइनर लिखता हूँ, माइनर M11, और कॉलम को मैं जो मेरे पास को फैक्टर है उसको चलो मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है, को फैक्टर को सी लिख देता हूँ, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ M11 अगर देखता हूँ तो M11 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाला रो और ये वाली कॉलम चली जाएगी, बचा क्या मेरे पास, -1, तो ये मैं -1 एज इट इज लिखना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे इनका सम कितना हो रहा है, इनका सम हमारे पास इवन हो रहा है, तो साइन चेंज नहीं होगी, अगर सम ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, इट्स वेरी सिंपल, वो भी किसमें, कोफैक्टर, माइनर में नहीं, कोफैक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोफैक्टर भी कितना हो जाएगा इसका, -1 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका, बिकॉज हमें फर्स्ट कॉलम का बताना है, फर्स्ट कॉलम यानी कि मुझे 1, 2 भी बताना पड़ेगा ना, राइट, फर्स्ट कॉलम का मतलब हो गया 2, 1, राइट, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। तो मैं M21 देखता हूँ, M21 अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन करूँ तो M21 इज व्हाट, दिस इज M21, तो इसके लिए अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई इसका माइनर कितना होगा, तो इसका माइनर मुझे स्ट्रेट अवे कितना नजर आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 20, राइट। इसमें माइनस साइन की इंपॉर्टेंस तो है नहीं, हाँ, को फैक्टर में हमें माइनस साइन को कंसिडर करना पड़ेगा, तो M21 में जो हमारा सम आ रहा है वो 3 आ रहा है, एज द सम इज कमिंग आउट टू बी 3, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सो वॉट इज दैट, इट इज -20, ठीक है। सो आई होप ये वाली चीज हमें समझ में आनी चाहिए और ये आसानी से आपका हो भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पिक करते हैं, लेट से फोर्थ क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये वाला काफी कैलकुलेटिव है, 4x4 का है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपसे हो जाए वेरी गुड, ना हो तो डेफिनेटली आप पूछ ही लोगे, ओके। तो आइए इसका एक फोर्थ क्वेश्चन पिक करते हैं, दिस वॉज वेरी ईजी, और इस आंसर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सेव करके, सो दैट अभी हम इसको मैच कर लेंगे, बेटा सेव इट हियर, एल सेव इट हियर, थोड़ा स्पेस कम कर देते हैं और इसको उठा के इधर साइड में चिपका लेते हैं, बाद में आंसर चेक करेंगे। आओ इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स से आई विल डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन,
इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करना है. ओके सो लेट अस सी अगेन आई विल टॉक ऑफ M11. पहले जो निकालना है मैं उसको इधर लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना. ठीक है, ईजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा. और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, माइक यूज करो या चैट बॉक्स यूज करो, पूछते रहो. ठीक है, बस इसमें कुछ मुश्किल बात ऐसी नहीं है, अगर कुछ परेशानी आ रही है तो प्लीज आप पूछिए. ओके, जब मैं M11 की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ द माइनर, राइट. कौन सा M11? यानी कि मैं फर्स्ट रो को हटाऊंगा और फर्स्ट कॉलम को हटाऊंगा, बचा क्या ये, राइट, दिस वन. तो b into ab is what ab square and minus this. ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूँ ab square minus ac square. कहीं कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी देन एंड देयर. एज द सम इज कमिंग आउट टू बी इवन, टू वी अंडरस्टैंड दैट द माइनर एंड द कोफैक्टर दे आर ऑफ द सेम साइन एंड दे आर एग्जैक्टली इक्वल. तो मैं इसको बिना किसी टेंशन के एज इट इज सेम लिख ले रहा हूँ. आप चाहो तो इसमें a को कॉमन लेके b square minus c square भी लिख सकते थे, दैट इज योर चॉइस. ठीक है, अब अगर मैं M21 की बात करूं तो अब क्या होगा मेरे पास, M21 में मेरे पास सेकेंड रो कैंसिल होगा और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, बचा क्या बेटा, a into ab, right? These two elements will be multiplied. That is a square b, ठीक है, a square b और subtracted by what? bc square, ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं, the sum is odd. 2+1 इट इज ऑड, तो क्या होगा, साइन वुड इनवर्स. मैं इस पूरी चीज को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा. जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, bc² - a² b. ठीक है, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ M21. ठीक है, कमिंग आउट टू M31, राइट, लेट अस टॉक अबाउट M31. सम ऑफ यू इज यूजिंग योर माइक, राइट, माइक म्यूट पे कर लो बेटा. So that it is not required. जब तुम्हें कुछ use करना हो तो फिर use कर लेना. अभी जब when you are quiet तो you can mute yourself. Okay. M31 की बात अगर मैं करूँ तो M31 में मेरे पास third row और third column के elements cancel होंगे. बचेगा मैं इसको multiply करूँगा कितना आ गया, a into ac, that is a square c, right? And minus this which is b square c. अब इसका सम कितना आ रहा है बेटा, द सम इज कमिंग आउट टू बी 4. तो माइनर और कोफैक्टर हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. दैट मींस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी. तो आसानी से फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है. इन केस अगर हमें सेवंथ क्वेश्चन भी करना पड़े, हिंट दे देता हूँ, करना तो नहीं, ठीक है, बिकॉज जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं मुझे, जो थोड़े भी चैलेंजिंग होते हैं, वो मैं हमेशा आपके लिए छोड़ दिया करता हूँ, राइट. गुड थिंग इज कि आप जनरली कर ही लेते हो, ठीक है, और अगर नहीं होता तो आप छोड़ दे दो नहीं मुझे. ओके, तो ये देख लीजिए, अगर हमें इस वाले को देखना होता तो क्या करता, मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग करता, राइट. तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा. तो ये एक्चुअली आपको एक 3/3 का डिटरमिनेंट मिलेगा. व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग M11, आई विल कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू 0, 1, -2 एंड सो ऑन, एग्जैक्टली जैसे हम लोग 3/3 डिटरमिनेंट को ऑपरेट करते हैं उसी तरीके से, ठीक है. बस प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पे तुम्हारे पास पता है क्योंकि सम इवन है 1+1, तो को फैक्टर भी यहाँ पे सेम होगा. बट यस, जब तुम आगे बढ़ोगे ना, M12 निकालोगे, तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, जब M12 निकालोगे तो अब तुम्हारे को दिस कॉलम एंड दिस रो वुड बी गॉन. अब जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, -1, 0, 1, 1, -1, 1, राइट, -1, 5 एंड 0, होगा 3/3, ठीक है. तो यहाँ तुम्हारे पास ये जो भी चीज आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जस्ट द वे वी हैव जस्ट लर्न्ड. जिस तरीके से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को 3/3 डिटरमिनेंट को ऑपरेट करते हैं, वैसे ओपन कर देंगे, राइट. इफ यू से आई कैन डू इट, इफ यू से कि नहीं सर यू वांट टू ट्राई, तो यू शुड ट्राई, राइट. इसमें कुछ भी खास नहीं है, इट इज ओनली कैलकुलेशन, ओके. बट ये ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पे सम तुम्हारा ऑड है बेटा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ C12, या फिर तुम ये कह सकते हो कि C12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M12, दैट इज योर चॉइस, ठीक है. तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है. आइए एक बार इसको जरा देख लेते हैं, हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है, इज एवरीथिंग फाइन, राइट, विल जस्ट सी दैट. तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं, इजी है ना, आई होप इट इज फाइन एंड इट इज इजी फॉर यू. यस सर, राइट राइट, इजी ही होना चाहिए. अरे इसके आंसर्स नहीं है क्या, हाँ है, तो वी हैव द आंसर्स, लेट मी चेक.
मैं ये फोर्थ चेक कर लेता हूँ, फर्स्ट तो बहुत ही छोटा था, ठीक ही होगा, मैं फोर्थ चेक कर लेता हूँ। फोर्थ M11, इन्होंने ए को कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, और को फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है C11, यहाँ पे वही सेम थिंग रहा, राइट, ए कॉमन ले करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। इवन द सेवेंथ क्वेश्चन वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एट ऑल, जस्ट दैट देयर विल बी अ बिट मोर कैलकुलेशन, दैट इज ऑल, नो मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन थिंकिंग, बट यस मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन सॉल्विंग एंड डूइंग द कैलकुलेशंस। सो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, जिसमें आपको माइनर्स और को फैक्टर्स निकालने थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और इससे अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, बल्कि टू एंड हाफ किए हैं, राइट, सेवेंथ क्वेश्चन मैंने हाफ किया है, तो जिसको आप कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, प्लीज ट्राई, हो जाता है वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या पूछ रहे हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, अब देखो इन सब में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, राइट, जैसे सपोज करो मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी कर देता हूँ, लेट्स से द थर्ड वन एंड लेट्स से द फोर्थ वन, ठीक है, दो क्वेश्चन मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ, इसमें इवैल्यूएशन से क्या मतलब है, कैसे इसको क्या करना है, इसकी बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्या दे रहे हैं, कॉस 15 डिग्री और नीचे मेरे पास है साइन 75 डिग्री। जिन लोगों ने क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री ध्यान से नहीं पढ़ी है, अभी कमिंग 3-4 डेज में मैं क्लास 11th वाले बैच में 7:30 से 8:30 मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री तुम ये मत सोचना कि 11th का टॉपिक है, 12th में इसकी तुम बहुत ज्यादा यूसेज ऑलरेडी कर चुके हो ITF में, और ढेर सारे यूसेज कैलकुलस में करोगे, ध्यान रखना बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्री इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एवरी सेंस, तो अगर आपने 11th क्लास में ठीक से इस टॉपिक को नहीं करा है, तो प्लीज अटेंड दैट क्लास, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, जब भी मैं उसको स्टार्ट करूंगा मैं भेज दूंगा। मैंने फंक्शन भी किया था, मैंने वहां भी सजेस्ट किया था कि भाई जिन लोगों का वो बेसिक्स मिस हुआ है 11th में ठीक से नहीं पढ़ा है, तो अभी कर लो, बिकॉज बेस कमजोर है तो फिर आगे दिक्कत आएगी, ध्यान रखो, ठीक है। यू हैव टू बी मेक श्योर दैट योर बेस इज गुड, ओके, फॉर दैट व्हाटएवर आई कैन डू आई विल ऑलवेज डू। चलिए देखिए सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, आइए देखते हैं। किसी ईशा ने इसका आंसर बता दिया, जितने देर में बात करता रह गया ईशा ने आंसर ही बता दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। I don't know what is the answer. अभी देख लेंगे, ठीक ही होगा बेटा, I'm sure आपने ठीक ही किया होगा। कैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं? So cos alpha, इसको मैं 15 डिग्री को अगर अल्फा बोल दूं, इसको बीटा बोल दूं, क्या हो गया? Cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta. So cos alpha into cos beta, right? कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? ध्यान से देखो, मैंने 15 डिग्री को अल्फा बोला है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और 75 डिग्री को बीटा बोला है, तो ये क्या बन रहा है? Cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta. What is this? Isn't it cos alpha plus beta? Yes, it is. Right? Cos alpha plus beta ka ye sum hai, yani ki 15 degree plus 25 degree. What is that? It is cos 90 degree. And what is cos 90 degree? It is zero. Okay? So definitely the answer is zero. Isha, you are absolutely fine. Right? That is correct. So bahut easy tha. Aur basic trigonometry pe based hai. Trigonometry aur determinants dono ko mix kare kar rahe hain. Aiye, ek aur ye dekho. Ye tumhare complex number ka question hai. Okay? To aisa nahi hai. Tum isko, you cannot say it is out of syllabus. 11th mein hai, 12th mein nahi hai. To complex number out of syllabus ho gaya. Aisa nahi hai. राइट, बोर्ड में अगर दे रखा है तो करना है, राइट, ओके, आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस इसलिए कर लेता हूँ, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग एट योर ओन यू फेस लेस डिफिकल्टी, ठीक है, सो दैट इज व्हाई जनरली आई डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर आई लीव इट टू यू। सो इट इज सी प्लस आयोटा डी एंड देन आई हैव माइनस सी प्लस आयोटा डी and a plus iota b or a minus iota, okay, no problem. So as it is, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोग जानते हैं कि iota is nothing but the under root of minus one, that is the unit of any imaginary number. So मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आ जाएगा, a plus b into a minus b का फॉर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा a square minus b square. a square is a square, मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ, ठीक है, I'm skipping that one thing. एंड माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर जब मैं कर रहा हूँ तो ध्यान देने की बात यह है कि बी मेरा यहाँ पे आयोटा बी है, ठीक है, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा ये एक्चुअली में प्लस होने वाला है, ध्यान रखना, राइट, माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। अब ये कितना मिलेगा मुझे, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास आयोटा डी, और सी स्क्वायर कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से ओपन किया,
ध्यान से देखो बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ रहा होगा. दिस इज ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, प्लस 1 माइनस 1, माइनस इनटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको माइनस डी स्क्वायर, बिकॉज ये माइनस हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी माइनस है. इस माइनस साइन को अंदर लाओगे तो यू इजिली गेट ऑल द इमेजिनरी थिंग्स आर गॉन एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली द रियल पार्ट. ठीक है, व्हाट इज दैट, दैट इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, आई होप वी हैव नॉट डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक. ठीक है, बाकी चीजें कैंसिल हो जानी चाहिए, ऑल द इमेजिनरी पार्ट शुड बी कैंसिल आउट. Is it okay, everyone? Second का fourth question, चलो answer match कर लेते हैं. Second का fourth, ठीक है, no problem. The very basic calculation ही होती है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं. आगे थोड़े अच्छे चीज़ें मिलेंगी, but हाँ अभी तो initially you'll find only calculation questions. Okay? So I hope it is understood by all of you. And अब ये जो third part है, इसको कैसे करोगे? Right? How would you solve this third part? Square करना है, right? You have to find the square. कुछ मत करना, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट निकालना. डिटर्मिनेंट जो 3/3 का जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हो निकाल लेना. सपोज करो उसकी वैल्यू x आ गई, उसका स्क्वायर कर देना. That's all. ठीक है, जस्ट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट. ठीक है, 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20 and 12 और जो भी तुम्हारे पास आंसर है, लेट्स से दैट आंसर इज x, उसका स्क्वायर कर देना. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके एवरीवन, ठीक है, तो ये भी अगेन कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप कर लेंगे. ये तो ऑलरेडी तुमसे हो जाना चाहिए. देख लो ऐसे, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस. कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा. तो ये क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा. साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इज 10 एंड बीटा इज 80, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी साइन 90 एंड साइन 90 डेफिनेटली इज 1, सो वेरी इजी. ठीक है, ये टू मेथड्स लिख रखा है इसमें, एक ना एक रबिशा मेथड बता रखा है, राइट, स्पेशली आर डी शर्मा बुक में ही दे रखा है. तो अगर आप कहोगे तो मैं उसको बता दूंगा, अभी थोड़ा सा 4 मिनट है, राइट, तो देखते हैं, राइट. अगर आप कहो, हालांकि कहीं से कहीं ना वो वाले मेथड को आपके एग्जाम में नहीं पूछते. ठीक है, देयर इज अ मेथड बाय एस, आई थिंक इट इज सुहास मेथड और व्हाट, राइट, स्टार्ट विद एस. ठीक है, तो ये टू मेथड्स में वो सेकंड मेथड से भी करने को कह रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज ये मेथड भी है आपके एनसीईआरटी में भी, आई कुडंट फाइंड इट देयर, राइट, वहां पे भी नहीं है. और अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड से यूज करो. ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं कल इसको डिस्कस भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, राइट. जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर दी ऑफिशियल ग्रुप जो आपका चल रहा है, यहाँ सर वो मेथड भी बता दो तो मैं बता दूंगा. अदरवाइज ये कहीं से कहीं तक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं है, नीदर फॉर कॉम्पिटिशन नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. यस अंशुमन, यू मे लीव, नो प्रॉब्लम, राइट. सो दैट इज हाउ यू कुड हैव. थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बेटा. अब इसमें अगर आप देखें द सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं. तो अगेन बेसिक देखो, अब जब एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, कभी भी जब इस तरह के डिटर्मिनेंट्स आते हैं, और जब इसको आपको मैं बता भी रहा था कि तुम 6 तरीके से इसको ओपन कर सकते हो, राइट, R1, R2, R3, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, या फिर C1, C2, C3, राइट. जस्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द क्लास. And this will help you to reduce the amount of calculation that you face in these kind of questions. Right? इस तरह के questions में calculation को reduce करने में ये advice help करेगी जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ. तो क्योंकि तुम कहीं से भी किसी भी determinant को open कर सकते हो, from any row or from any column. वो आपको मैंने आपको आज discuss कर दिया किस तरीके से कहीं से भी open कर सकते हो. But हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक element C1 से ले लिया, दूसरा R2 से ले लिया, ऐसा नहीं है. जिस column के along कर रहे हो पूरे सारे elements उसी column के होने चाहिए, जिस रो के अलोंग कर रहे हो सारे एलिमेंट्स उसी रो के होने चाहिए. दैट इज वेरी क्लियर. ठीक है, अब कौन सा रो और कौन सा कॉलम लें ताकि कैलकुलेशन कम आए, तो बेटा ध्यान रखना, जहां पे भी तुम्हें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा मिले, पिक दैट रो और कॉलम. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हर रो में और हर कॉलम में एक जीरो है, तो तुम कहीं से भी पिक कर लो, कुछ खास कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं 7th क्वेश्चन कैलकुलेशन की बात करूं, तो मुझे जीरो यहाँ पे या तो थर्ड कॉलम में मिलेगा या फिर मुझे सेकेंड रो में मिलेगा. तो मैं इसको जब भी एक्सपेंड करूंगा, इधर आई एक्सपेंड बाई कॉलम 3 और आई एक्सपेंड बाई रो 2. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना. तो कैलकुलेशन जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं, स्पेशली 3/3 का है, 4/4 का है, तो इनका ध्यान, कई बार एक से ज्यादा जीरोस भी मिलते हैं. अभी कल की क्लास में जब आपके डाउट्स के बाद हम लोग जब और क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन काफी होती है, तो वहां पे छोटी छोटी एडवाइसेस बहुत काम आती हैं. Right, all these small things will make a huge difference.
राइट, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक एक डिटरमिनेंट है, सपोज करो, राइट, मैट्रिक्स तो नहीं कहूंगा, डिटरमिनेंट कहूंगा बिकॉज वैल्यू निकालनी है, तो एक डिटरमिनेंट है जिसमें मेरे पास वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 0, 5, 6, 3, 0 and 1, राइट. अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ इसको आप कहाँ पे ओपन करो, तो आई एम श्योर आप कहोगे सर या तो मैं R2 के अलोंग करूंगा, या फिर मैं इसको R3 के अलोंग करूंगा, या फिर मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग करूंगा, या फिर मैं इसको कॉलम 2 के अलोंग करूंगा, राइट. आई एम श्योर दैट इज योर आंसर. बट यस, इफ आई टेल यू दैट इंस्टेड ऑफ 6 यू हैव 0 हियर, देन आई एम प्रीटी श्योर यू वुड से दैट आई विल ऑलवेज एक्सपेंड इट ओनली ओवर R2. मैं सिर्फ रो 2 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करूंगा, ओनली देन थिंग्स वुड बी इन द लीस्ट पॉसिबल कैलकुलेशन. ठीक है, सो इस बेसिक बातों का ध्यान रखना एंड यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट. इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हो. ठीक है, जहां आपको डाउट आएगा कल पहले मैं डाउट ही डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड. सो इज इट फाइन एवरीवन? यस. राइट चिल्ड्रन, प्लीज बी ऑन टाइम, राइट. लेट मत आया करो. मैं भी टाइम से आता हूँ और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप टाइम से ही आए. ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, यू हैव गिवन मी वंडरफुल वीडियोस, राइट. आई एम थैंकफुल टू यू फॉर सपोर्टिंग मी बाय प्रोवाइडिंग योर वीडियोस, राइट. आई एम ट्राइंग टू मेक अ गुड एड आउट ऑफ दैट एंड वेरी सून आई विल पब्लिश इट. ठीक है, और जो भी प्राइज थी वो प्राइज भी इंटैक्ट है, जिसका भी वीडियो बेस्ट है. श्रेयांश ने तो मेरी लाइन ही उसमें डायलॉग में मार दी है. Right, he has used my dialogue there. Chalo, anyways, so thank you. See you in tomorrow's class. Bye-bye.